जिंगर बर्गर और प्लस जो है वो पिज्जा वगैरह बनाती है। सर मेरा दावा यह है कि जो मैं जिस सॉस में जिंगर बनाता हूँ या पिज्जा बनाता हूँ, ये दो अगर सॉसेज में बना हुआ आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं मिल जाए। फूडीज फूड के नाम से एक शॉप, और अगले एक महीने तक आपको पिज्जा या जिंगर जो आप बताएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लवली करके जो था, लवली सैलेड, लवली सैलेड खत्म भैया, आजा, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं आया हूँ पीपल्स कॉलोनी और ये वाकया है कैफे पैलेस के सामने। एक गली है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर ये है फूडीज फूड के नाम से एक शॉप जो कि जिंगर बर्गर और प्लस जो है वो पिज्ज़ा वगैरह बनाती है। तो आइए मेरे साथ यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का पिज़्ज़ा बनाते हैं और जिंगर ट्राई करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। तो लेट्स कम विद मी। तो जी हम आ गए हैं शॉप के ओनर के पास और इनसे बात करते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं प्रोडक्ट में, और जो ये हमें ऑफ स्क्रीन बता चुके हैं वो सारी चीज़ें अब इनसे पूछते हैं ताकि आप तक पहुंच जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम नसीर अहमद है। नसीर भाई ये बताइए कहाँ ये शॉप है, थोड़ा लोकेशन गाइड कर दीजिए ताकि लोगों को आने में और आसानी हो जाए। अच्छा जुबैर भाई, दुकान मेरी ऐसे है, शॉप कैफे प्याला होटल देखा होगा आपने, पीपल्स कॉलोनी पर जो है। बिल्कुल। इसके अपोजिट जो है वो इस्लामिया मस्जिद है लाल रंग की, ठीक है। और उस मस्जिद वाली गली में जब आएंगे तो सेकंड राइट कॉर्नर में मेरी शॉप है, फूडी स्कूल के नाम से। अच्छा, कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? कॉन्टेक्ट नंबर मेरा मोबाइल नंबर है, आप वीडियो में बता दीजिए। जी मोबाइल नंबर है मेरा 0335102572। ये व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। ये व्हाट्सएप पर ऑर्डर आप इस पर करवा सकते हैं। अच्छा, सिटिंग एरिया नहीं है, आप इसको जो है टेक ओवर कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बाइकिया है और प्लस जो है वो जैप भी इनके पास है, वो आप देख सकते हैं। सेकंड ये है कि सर ये बताइए कि क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? अच्छा, मेरे पास एक तो पिज़्ज़ा है, जिंगर होता है, पिज़्ज़ा है, जिंगर है, ब्रोस्ट है, विंग्स है। फिलहाल ये चार वैरायटी है मेरे पास, अभी चार वैरायटियाँ हैं आपके पास, ठीक है जी। अच्छा ये बताइए कि जो हमें आप बता रहे थे, एक दावा कर रहे थे कि आप पिज़्ज़ा इस तरह से बनाते हैं कि कोई भी नहीं बना सकता, आपकी जो वो एक जो आप नाम बता रहे थे मुझे उसको क्या बोलेंगे, लवली करके जो था, लवली सैलेड, लवली सैलेड वो आप बता रहे थे, प्लस जिंगर का भी आपने हमें जिक्र किया है, तो ये जो दावा है ये वाकई दावा है या फिर कन्फर्म है कि जी आप जो कह रहे थे वो आप बता दीजिए ज़रा क्या कह रहे थे आप? सर मेरा दावा यह है कि जो मैं जिस सॉस में जिंगर बनाता हूँ या पिज़्ज़ा बनाता हूँ, ये दो अगर सॉसेज में बना हुआ आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं मिल जाए तो आप जुबैर भाई से कांटेक्ट करें और मेरे पास आ जाएं, वीडियो बनाएंगे उसकी भी, और अगले एक महीने तक आपको पिज़्ज़ा या जिंगर जो आप बताएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक महीने तक आपको डिलीवरी में भेजूँगा, यहाँ से वीडियो हम बनाएंगे, आप कॉन्टेक्ट कीजिए और यहाँ पर आइए। अगर इस पूरे इस मामले को आपने हैंडल करना है, यानी कि हाँ, जो ये शर्त आपने रखी है, एक तरह से शर्त तो नहीं बोलेंगे, बोला लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सॉस जो मैं बनाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ सॉस, बिल्कुल, तो ये सॉस कोई और कहीं और इस्तेमाल होते नहीं है। लोग पिज्जा जो बनाते हैं पिज्जा सॉस में बनाते हैं और जिंगर में मायोनीज और केचप इस्तेमाल करते हैं। सही, मैं जिंगर में भी केचप नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं सॉस इस्तेमाल करता हूँ, सॉस इस्तेमाल करते हैं। तो जी हम यहाँ स्टार्ट लेते हैं और आपको दिखाते हैं ये किस तरीके का जिंगर बनाते हैं, किस तरीके का पिज्जा बनाते हैं, तो आपको वो दिखाते हैं, तो चलिए आइए। अच्छा, ये हमारी पिज्जा की डो तैयार हो गई है, हमने बना के रखी थी, तो तकरीबन एक घंटे में प्रूफ होती है, तो ये प्रूफ हो गया, हम इसमें पिज्जा बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सर्कल बना रहे हैं, ताकि ये आपने बनवाया है जो सर्कल? नहीं, मिलता है ये मिलता है? हाँ मिलता है, ये बना बनाया मिलता है बाजार से। ये इसके देखें, इसके ये बॉर्डर बन जाएंगे, ये देखें जी ये बॉर्डर बन चुके हैं।
अच्छा, अब आप क्या डालेंगे इसमें? अच्छा, इसमें हम सॉस डालेंगे अपनी बनी हुई। लोग पिज्जा सॉस डालते हैं तो मैं पिज्जा सॉस इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये मेरी अपनी बनाई हुई सॉस है, वो मैं इसमें डालता हूँ पिज्जा में। अच्छा, तो इससे पिज्जा का जो जायका है ना वो बड़ा प्यारा हो जाएगा। मतलब अमूमन तो पिज्जा सॉस ही डाला जाता है, पिज्जा सॉस लोग डालते हैं, मैं नहीं डालता, मैं ये डालता हूँ। अच्छा, मैं ये बना रहा हूँ मलाई बूटी में, मलाई बूटी बना रहा हूँ। ये देखिए जी, ये मलाई बूटी है। अच्छा, एक ये भी वही है, कैनन की है। ये देखें, ये कैनन से मंगाता हूँ मैं। ये देखें जी, सारी चीजें मेरी कैनन से आती है। ये मलाई बूटी का ही पैकेट है, ये कैनन की आई हुई है, ये कैनन से आती है। ठीक है, ये डाल रहे हैं जी। अच्छा, अभी मैं ये तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जुबेर भाई, बात यह है कि लोग बोलते हैं कि चिकन ज़्यादा कर दो, चीज़ ज़्यादा कर दो। देखें, चीज़ जब खाना होता है ना, खाना मुतवाजन हो ना, मतलब हर चीज़ बैलेंस हो, तो जब मज़ा आता है। सही। अब मैं इसमें अगर पूरी चिकन भर दूंगा ना तो जब भी आप नहीं खा पाओगे, चिकन चबाते रहोगे, चीज़ होगी तो चीज़ को आप खींचते रहोगे। तो हर चीज़ लेवल की हो जब मज़ा आता है, बगैर उसका मज़ा नहीं आता। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछूँ कि जी ये स्मॉल कितने का है, लार्ज कितने का है, मीडियम कितने का है, तो ये भी बता दें जरा। देखिए, मैं यहाँ पे जो स्मॉल चला रहा हूँ, ये चला रहा हूँ 250 रुपए का, 250 रुपए का। उसकी वजह ये है कि मैं, आपने चीजें मैंने लिखी हैं, बिल्कुल सब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छी वाली। ये पिज्जा चीज देख लें, अच्छा कंपनी की चीज है ये, और ये पाकिस्तान में बिकने वाली बेहतरीन चीज में से दूसरे नंबर पर ही है। मतलब लोग एडम्स की इस्तेमाल करते हैं, एडम्स से लाख दर्जे अच्छी चीज है ये, चैटर वगैरह मिक्स होती है, ये मिक्स है, ये अच्छा कंपनी की है। मतलब मैं जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, चीज़ें सारी जो है ना वो एक नंबर है, मतलब जो पाकिस्तान में मिलती है, बेहतर से बेहतर चीज़ है ये। अच्छा, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ी होना चाहिए, यूँ उठाए तो जी वो टेस्ट डेवलप करता है, या चीज़ देखिए एक मिकदार होती है, क्वालिटी भी होती है, मिकदार भी होती है। देखिए, डालेंगे तो चीज का अपना कोई जायका नहीं होता, बिल्कुल चीज आप ये खा के देख ले, इसका जायका फीका होता है, बिल्कुल फीका ही होता है, फीका होता है। वो सिर्फ जो लेस बनते हैं ना, लोग उस लेस को मजा लेते हैं, लेस बने। अच्छा, अब मसला ये कि मैं ज्यादा डाल दूंगा ना, तो लेस इतने ज्यादा बनेंगे कि आप उसको तोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जितनी आप नॉर्मल डालेंगे ना, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी आप डालें, एक्स्ट्रा डालेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीज होगी। सालन में आप नमक तेज करते हैं, सालन जितना अच्छा मर्जी बनाओ, आप सालन खा नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो इसी तरह से अगर मैं इसमें चिकन, अगर फर्ज करेंगे इसमें जाती है 40 ग्राम या 50 ग्राम चिकन, मैं इसमें 100 ग्राम कर दूँ, तो वो चिकन आप चबाते रहेंगे, पिज्जा का मजा नहीं आएगा, चिकन का सही मजा आ होगा आपको। बाकी जो दूसरे जायके हैं, सॉस का जायका है या चीज़ का है या दूसरी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका मजा नहीं ले पाओगे। अभी क्या डाल रहे हैं? अच्छा, ये प्याज डाल रहा हूँ थोड़ी सी मैं, क्योंकि ये है लाइट, उसमें होता है हल्का मसाले का होता ही है, तो इसमें थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च जाती है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था, वो हमारी बात उसमें चली गई, ये स्मॉल कितने का है, मीडियम कितने का है, लार्ज कितने का है? अच्छा, स्मॉल जो है ये मैं देता हूँ 250 रुपए का, ठीक है। रेगुलर इसमें 500 रुपए का है, सही है। और जो लार्ज है वो 800 रुपए का है। अच्छा, मेरे पास जी। अच्छा, अब ये हमारा पिज्जा तैयार है, मैं इसको ओवन में, तो ये हम लेके जा रहे हैं ओवन में और आपको दिखाते हैं। ये हमने कितना टेम्परेचर रखते हैं सर? टेम्परेचर इसका ऊपर का मैं 250 रखता हूँ, नीचे को 300 रखता हूँ। अभी ये कितनी देर में बन जाता है? ये तकरीबन लगेगा 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो जी, हम 7 से 8 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर पिज्जा आपको दिखाते हैं। अच्छा, जो अभी हमने पिज्जा बनाया है ये हाफ डन हो गया, अब इसके कॉर्नर पे हम ऑयलिंग कर देंगे, ताकि कॉर्नर इसके क्रिस्पी ना रहे, नरम हो जाएं और गोल्डन कलर बड़ा अच्छा आएगा इससे। लेकिन अभी गोल्डन हो गया, लेकिन अभी और प्यारा कलर आ जाएगा, इसको हम वापसी रख देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए वापसी ओपन करेंगे। ठीक है, तो जी ये तैयार हो गया है पिज्जा, और ये देख लीजिए, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा लग रहा है। तो सर, अब ये इसको आप डालेंगे भाई? इसको मैं आप इसके पीसीस करके आपको दे रहा हूँ। ये जी पीसीस करेंगे अब इसके। ये डाल दिया भाई इसमें, ये ऊपर से मैं एक्स्ट्रा भाई के लिए जो ना। अच्छा, स्पेशली हमारे लिए मेयोनीज डाल दिए जी। हाँ, ये पिज्जा हमारा तैयार हो गया है। पिज्जा तैयार हो गया है, अब हम आते हैं जिंगर की तरफ। सर, इस वक्त आप क्या बना रहे हैं?
अच्छा, इस वक्त मैं अब जिंगर की तैयारी कर रहा हूँ, जिंगर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरे जितनी चिकन आती है जिंगर की हो, ब्रोस्ट हो, विंग्स हो या पिज़्ज़ा की हो, मैं सब कैनल से मंगवाता हूँ। मतलब खुद कोई तैयार नहीं करता, ना कोई कारीगरी करता हूँ, ना कोई शादी करता हूँ। मेरे पास तैयार माल कैनल का आता है समझे, और फुल ये हाइजेनिक चीज़ है और बेहतरीन इसका मसाला लगा हुआ है। देखें कितना बड़ा पीस है ये, तकरीबन 90 से 100 ग्राम का पीस होता है, थाई पीस है, स्किन वाला ही है। ठीक है, तो इसका हम जिंगर बनाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी ये अभी, अच्छा ये क्या है, ये मैदा है। इसके अंदर हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते हैं, मैदे में लोग नहीं डालते अक्सर, लेकिन मैं थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिक्स करता हूँ इसके अंदर। तकरीबन 1 किलो मैदे में आप 25-30 ग्राम कॉर्नफ्लोर डालें, उससे क्रंच अच्छा आता है इसका, तो क्रंच बनता है ना जिंगर पे, वो बड़ा मजे का आता है। और मैं आपको एक मजेदारी का बताऊं, लोग समझते हैं कैनेस बहुत महंगा पड़ता है, आप यकीन माने कैनेस जो आप उसी चिकन यहाँ से लेंगे, खुद जो बनाते हैं ना मसाले जो साथ रखते हैं जी, ये कारीगर है और 2000 से दिहाड़ी ले रहा है, मसाले बहुत अच्छा लगाता है, ये उससे बहुत सस्ते पड़ती है। कि आप अपनी चिकन लें, उसको साफ करें, उसके पीसेस बनाएं और फिर मसाला लगाएं, अपने पीस बनाने में तब पीस छोटा बड़ा हो जाता है, चिकन कभी सही कटती है नहीं कटती है, फिर आपको थाई पीस बोनलेस वाला नहीं मिलता। अभी जितनी चिकन आती है इनकी, ये थाई पीस आती है बोनलेस वाली और ये स्किन वाली पीस है, ये स्किन वैसे जूसी होती है इनकी और ये बाजार से सस्ती पड़ती है। ये किलो में अगर लगा लें तो मेरे हिसाब से कोई 200-250 रुपये किलो सस्ती पड़ती है बाजार से ये, लेकिन लोग ये समझते हैं कैनस महंगा है। मेरे ख्याल से मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ खुद देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब तक जो वीडियोस देखी हैं उसमें इस तरीके से लगाते हुए नहीं दिखाया है कि जिंगर लगाते हुए दिखाया हो, और इसका क्रेडिट शायद मुझे ही जाता है। अच्छा, ये है कि अक्सर लोग बने बनाए पीसेस रखते हैं और बर्गर में डालते हैं और उसको जो है फ्राई कर देते हैं, अक्सर यही होता है। नहीं, मैंने इसलिए आपको चिकन भी दिखाई मेरी आती कहाँ से और किस तरह से बनता है। दूसरा ये, हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, हम मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा वहमी जाते हैं, हम हर 10 मिनट बाद जाके हाथ धो रहे होते हैं साबुन से और उससे वॉश कर रहे होते हैं, सही, कि गंदगी ना लगे या वो ना हो। तो ये बनता ही ऐसे, मतलब इसमें बोलूँ कि मैं कोई ग्लव्स पहन लूँ कुछ कर लूँ तो वो उससे बन नहीं सकता, ये सही, ये बनता ही ऐसे। ये देखिए जी, और मैं सिंगल कोटिंग करता हूँ इस पर, ये पीस इतना बड़ा होता है कि सिंगल कोटिंग में ही बहुत होता है, मैं करता ही सिंगल कोटिंग हूँ इस पर। ये देखिए जी, ये पीस बन गया है, एक पीस मेरा तैयार हो गया है, मेरा भी तेल गर्म हो रहा है, मैं तेल में इसको डालूंगा, मैं पीस तैयार करके यहाँ रखता हूँ। पीस देखें जी कितना बड़ा है माशाल्लाह। और ये दूसरा, अच्छा तो हम तो ये सोचते थे जब हम खाते हैं जिंगर बर्गर तो ऐसा लगता है जैसे शायद उसमें पापे वगैरह इस टाइप की जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड क्रम्स वगैरह डालते हैं। नहीं, क्रम्स नहीं होते हैं, वो ये जो पीस बना है इसी का क्रम्स बनेगा ये। अच्छा, हाँ क्रम्स इसी का बनेगा, वो तो बहुत ज्यादा थिक होता है और अंदर चिकन जो है वो ऐसा लगता है चिकन ही, क्योंकि चिकन का बच्चा निकल रहा है। वो वजह ये होती है ना कि मैं एक कोटिंग करता हूँ, एक कोटिंग से मुराद ये है मैंने पानी में इसको एक दफा डिप किया है और फिर मैदा लगा के इसको मैं रख दिया है। तो लोग क्या करते हैं, लोग 3 से 4 दफा पानी में डिप करते हैं फिर निकालते हैं। अच्छा, वो पीस होता है अंदर जो 170 का जो जिंगर बेचते हैं, 150 का बेचते हैं, जाहिर सी बात है हर चीज महंगी है, तो वो पीस सकते हैं मुश्किल 30 से 40 ग्राम का अंदर। अच्छा, वो डिप करते हैं 5 से 6 दफा, 4-5 दफा करते हैं, तो वो इतना बड़ा पीस इतना बड़ा नजर आ रहा होता है आपको, तो सारा क्रंच क्रंच होता है मैदे का, पीस नहीं होता अंदर, चिकन तो होता ही नहीं है, बहुत छोटा सा। हाँ, अब ये 90 से 100 ग्राम का पीस है केनेस का, मैंने आपको दिखाया, और ये इंशाल्लाह खाएंगे, इसकी पेटी भी मजेदार है, मतलब इसका मसाला जो ना वो अलग ही होता है, होता ना जो सात लोग है ना जो 2000 रुपये दिहाड़ी ले रहे होते हैं जी, ये वो वाला मसाला नहीं है। मतलब मैं ये कहता हूँ चीज जो है ना वो आप प्रोफेशनल लोगों से लो ताकि मजा आए खाने वाले को भी, आपका ग्राहक वापसी आपके पास आना चाहिए। अच्छा ये बताएं, ये जो चिकन आपने मंगवाई है तो ये मतलब मसाला लगा होता है या क्या तरीके का, क्या होता है, किस तरीके से रहते हैं आप लोग, किस तरह मंगवाते हैं? यार ये होता ये है कि इनकी केनेस की कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती है, जब आप पूरी करते हैं तो ये आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आगे 1 साल का। ठीक है, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ डिपॉजिट लेते हैं आपसे। सही। अच्छा, उसके बाद फिर आपका जब एग्रीमेंट हो जाता है 1 साल का, तो फिर आप इनके कस्टमर हो जाते हैं कमर्शियल के इनके। सही है।
तो उसके बाद आप जब इनको ऑर्डर देते हैं तो इनकी सिर्फ शर्त इतनी होती है कि मिनिमम ऑर्डर 10,000 रुपये का होना चाहिए बस। अब 10,000 में आप इनको मंगवाएं जो आपने मंगवाना है, जैसे पिज़्ज़ा मीट इनसे मंगवाता हूँ, जिंगर मंगवाता हूँ, ब्रोस मंगवाता हूँ, विंग्स इनसे मंगवाता हूँ, जितनी चिकन सब इनसे मंगवाता हूँ, तो 10,000 रुपये का ऑर्डर देता हूँ मैं इनको। तो ये जो है मेरे स्पॉट पर ला के मुझे नेक्स्ट डे, जिस दिन ऑर्डर दूंगा उसके नेक्स्ट डे मेरी चीज़ मेरे यहाँ पर पहुँच जाती है सब चिकन वगैरह। ये जो जिंगर हमने बनाया था मैं उसको फ्राई कर रहा हूँ, पीसेस को जिंगर के पीसेस फ्राई हो रही है जी, मैं फ्राई हो रहे हैं। अच्छा कितनी देर लगती है इसमें फ्राई होने में? तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे। ऑयल आपने तकरीबन 200 डिग्री पे इसको गर्म करना है। सही है। और 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह पीस तैयार हो जाएंगे। तो जी ये 5 से 7 मिनट जब तक लगते हैं तो फिर हम वेट कर लेते हैं। पीस हमारे जिंगर के तैयार हो गए, देखिए कितने क्रंची है माशाल्लाह से, ये जब खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा इनको इंशाल्लाह। ये पीस हमारे तीनों तैयार हैं क्रंची। उसके बाद जब इसको धोते हैं तो धोने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर और क्रम डालें। ठीक है। क्रम डालने से होगा कि फ्राई, अगर 4 दिन का भी आप निकाल कर फ्राई करेंगे ना तो क्रंची रहेगा। सही है। वो बिल्कुल नरम नहीं पड़ेगा, वो क्रंच आएगा उसमें, मज़ा आएगा खाने में उसको 4 दिन बाद भी। ये तैयार हो गए हैं फ्राइज, ये देख। अच्छा जिंगर, जिंगर में मैं आपको बताऊं मैं केचप इस्तेमाल नहीं करता हूं जिंगर में। अच्छा। मैं सबसे पहले डालूंगा ये मायोनीज। सही है जी। ठीक है। उसके बाद ये आइसबर्ग आएगी इसमें थोड़ी सी, ये आइसबर्ग है, आजकल आइसबर्ग बड़ी महंगी चलती है। महंगी तो भाई हर चीज। ये चिकन का पीस है, केनन का जो हमने रखा था, पेटी और पेटी देख लीजिए जी, ऐसा नहीं हो गया जी, पेटी काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह से। अच्छा, और ये देखें इसके ऊपर सॉस, ये सॉस आ गया, सॉस से बनता है। और ये खाएंगे तो आप पहला जुमला जो बोलेंगे वो मैं आपको ही बता दूं, आप किसी बड़े ब्रांड का नाम लेंगे आप बोलेंगे बिल्कुल वाला मज़ा आ रहा है। ये मैंने चीज़ रख दी इसके ऊपर, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके मैं 2 पीस कर देता हूँ ये। ठीक है जी, करिए। ये हो गया जी 2 पीस, और अब आपको दोनों दिखा दें हम। ये जी फ्राइज भी आ गए, और इस पे क्या डाल रहे हैं सर? इसमें मैं मायो डालो थोड़ा सा, और उसके बाद ये सॉस डाल देता हूँ। ये सॉस भी है, सॉस अक्सर नहीं डालते लोग, सिर्फ मायो डाल के दे देते हैं जी, बल्कि वो तो सादे ही दे देते हैं, सादे देते हैं। सही। ये आपका पैकेज तैयार है, ये पैकेज तैयार है, साथ में इसके सैलेड है, सैलेड है वो आपको दिखाते हैं, वो जरा स्पेशल सैलेड है तो आपको जरा दिखाते हैं। तो जी ये हो गया पैकेज तैयार, और ये सॉस आपको शायद मैं थोड़ा सा इसमें लाइट कम कर देता हूँ ताकि आपको कलर महसूस हो जाए क्या है ये। सर ये ज़रा बताइए ये क्या है और इसकी खसूसियात क्या है? ये थोड़ा सा पिंक कलर आ रहा है, और ये बताइए ज़रा क्या है? दुबर भाई ये सैलेड है। अच्छा, हमने नाम दिया है लवली सैलेड का। लवली सैलेड, लवली लवली इसलिए कि लोग इसको खाते नहीं है। अच्छा, इसको जब हम थैली में दें लोग उसको पीते हैं, पीते हैं तो उनके दोनों होल मिल जाते हैं। अच्छा। तो हमने इसको नाम दे दिया लवली सैलेड का। जबरदस्त यार। तो ये खाने के बजाय लोग पियेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये आपने कहीं से मंगवाई है क्या? इसकी जरा स्टोरी भी बता देगा। ये स्टोरी इसकी कुछ ऐसे है, बस ये 3-4 मरहल में जाके इस तरह की बनी है। मतलब पहले हमने बनाई थी तो थोड़ी रुकी थी वो, फिर थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन फाइनली 4th अरब में जो है तकरीबन 6 महीने हो गए मुझे इस काम में, तो अब ये तकरीबन फाइनल है। और ये जब आप पियेंगे एक तरह से तो आप यकीन माने, आप बोलेंगे हमेशा सैलेड खाया जाता है, आप कह रहे हैं पियेंगे, ये पिया जाएगा, तो ये नई चीज लेकर आ गए आप। हाँ, ये पियेंगे, और जब पियेंगे तो फिर आप बताइएगा कि इसका जायका कैसा है, फिर इंशाल्लाह। ये देख लीजिए जी, ये पीने वाली सैलेड है, ये खाने वाली सैलेड नहीं है, और ये पैकेज हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है, आप देख लीजिए। बेहतरीन किस्म का जो है वो एक पिज्जा और एक जिंगर बर्गर और प्लस फ्राइज विद मायो एंड सॉस, और ये लवली सैलेड मोहब्बतों भरा, ये देखिए जी।
कलर महसूस हो रहा होगा पिंक, क्योंकि रोशनी ज्यादा है तो आपको इतना अंदाजा नहीं हो रहा हो। अच्छा जुबैर भाई, जो पिज्जा मैंने बना के दिया है, ये जिस सॉस में मैंने बनाया है ना, मेरी गारंटी है पूरे पाकिस्तान घूम लें, अगर इस सॉस में बना हुआ पिज्जा आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं मिल जाए, किसी जगह भी आप जगह का मुझे नाम बताएं, रेस्टोरेंट का नाम बताएं, अगर वो वहाँ मिलता होगा तो 30 दिन के लिए एक स्मॉल पिज्जा डेली मैं आपको यहाँ से भेजूंगा आपकी होम डिलीवरी पर। ये मेरा आपका वादा है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। और सैलेड का भी बता दीजिए जी। सैलेड तो सर मैं बोल रहा हूँ कि कहीं नहीं, अगर मिल जाए तो पूरे साल के लिए फ्री है, बल्कि उनके कोई तकरीब होगी तो मैं खुद आके बना के जाया करूंगा। अच्छा, उनकी तकरीब में भी एक साल के लिए ये सैलेड अगर मिल जाए। देखिए जी, काफी बड़ा दावा कर दिया है, तो अगर ये खाना है तो आ जाइए, और अगर सही बात करिएगा कि अच्छा है या नहीं है तो ही आपको मिलेगा ये पिज्जा 30 दिन के लिए। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास पैकेट, और ये है जी पिज्जा स्मॉल जिंगर और फ्राइज, और ये लव सैलेड, बल्कि लवली सैलेड, और इसको मैं जरा रखता हूँ साइड में, और आपको पहले तो पिज्ज़ा बताता हूँ, रिव्यू करता हूँ कि पिज्ज़ा कैसा बना है। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुंह में पानी आ रहा होगा आपके लिए, मेरे तो बहुत शदीद आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्होंने तो दावा किया ना, लेकिन माने वाकई बेहतरीन चीज़ है। मैं भी कायल हो गया हूँ कि भाई ऐसा खिला दो 30 दिन के लिए फ्री। अच्छा नसीर भाई जी, भाई 30 दिन तो फ्री कर दिया लोगों के लिए, हमारे लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर इंशाल्लाह, और जिस दिन जब उनकी डिलीवरी जाएगी ना 30 दिन की, तो आपकी भी 30 दिन की डिलीवरी उनके साथ। भाई अगर आप लोग लेने आए ना तो वीडियो में जरूर बताइएगा आपके। अच्छा, फ्री। दूसरा ये बताएं, ऑर्डर के लिए क्या कर सकते हैं? वैसे तो लोग आएंगे, ऑर्डर अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहे तो क्या तरीके सारे जरा बताइए। ऑनलाइन के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, वो आपकी वीडियो में आ जाएगा। बता दीजिए अपना मोबाइल नंबर। 03510257 52। एक बार लोकेशन फिर बता दीजिए कौन सी जगह पर है। अच्छा, ये है आपको कैसे प्याला होटल है, इसके बिल्कुल अपोजिट गली में है ये, तो यहाँ नियरेस्ट जो मस्जिद है वो इस्लामिया मस्जिद है, कैफे प्याला के सामने। इस्लामिया मस्जिद के बराबर, मतलब इस्लामिया मस्जिद वाली गली में है, सेकंड राइट और सेकंड राइट कॉर्नर, थोड़ा सा आगे आएंगे तो इनका किस नाम से? फूडी फूड के नाम से, फूडी फूड के। तो हम अब जो है वो जिंगर को ट्राई करते हैं जी, उसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं और जिंगर को भी ट्राई कर लेते हैं। सॉस देखें यार, पीटी देखें आप, जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यार बहुत मुँह में पानी आ रहा है। खत्म भैया, खत्म, बाय बाय, खत्म कर दिया भाई आप लोगों, खत्म। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर भी आप कुछ दे ही दें। सर अब आप ये देख लें कि मैं ईमानदारी का बताऊँ, बड़े बड़े कारीगर 20-20 साल से काम कर रहे हैं और मैंने ये काम सिर्फ 15 दिन सीखा है बस। अरे क्या बात है, यकीन माने सिर्फ 15 दिन मैंने काम सीखा है और उसके बाद से मैं खुद कर रहा हूँ। मजे की बात यह कि इनके पास कारीगर नहीं है, खुद कर ये खुद बनाते हैं। हमारे एक वीडियो है मार्ट फूड पे, सहीम भाई वो खुद बनाते हैं, उन्होंने खुद टेस्ट डेवलप किया है, जो चीज़ वो कहते हैं ना वो निकलती है, इन्होंने जो कहा है ना वो निकली है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ बातें की हैं और हम यहाँ पर आके खा रहे हैं तो हम तारीफ कर रहे हैं, नहीं जी। अच्छा एक दावा उन्होंने अप्रोच किया है, और ये भी बता दूं कि कहाँ से आए थे हम इनके पास, डोसा वाला मस्कन चौरंगी पे बैठते हैं, उनके दोस्त ही हैं, उन्होंने हमें बताया था तो हम यहाँ पर आए थे। ये मैं आपके आपके ताल्लुक से बता रहा हूँ, आपके रेफरेंस से। इधर देखो, मैं ये आप ऑर्डर करें, ये मंगवाएं, खाएं, और खाने के बाद आप मुझे ये बोलें कि जी हमें मज़ा नहीं आया, पसंद नहीं आया, आपके पैसे मैं खुद आपके घर पहुँचाऊँगा जितने का आपका ऑर्डर है वापस। लेकिन आपने बताना ईमानदारी से कि यार अच्छा था या नहीं था, आप सिर्फ एक जुमला बोलेंगे मज़ा नहीं आया, आपके पैसे रिटर्न। सर अगर आप और मुल्क में होते ना तो मैं हकीकत शर्तिया कहता कि शायद वहाँ के लोग नहीं पहुँचे, मगर यहाँ थोड़ा सा नहीं बोलना ईमानदारी से पड़ेगा, वो आपके ईमान पर है, वो आपके ईमान आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, टेस्ट तो है। अच्छा अच्छा, कौन डिलीवरी का हो रहा था? डिलीवरी का ये तो मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया, 03510257 52। इस पर आप ऑर्डर देंगे तो मैं बाइक के थ्रू आपको भेज दूंगा। नंबर एक नंबर तो जैब ऐप पर मेरी फूडी स्कूल के नाम से शॉप रजिस्टर्ड है,
वहाँ से जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं जैप से। फूड डिलीवरी का ना पेज बंद कर दिया है अभी, उनका एक ग्रुप है जो सिर्फ राइडर्स का है, तो मैं राइडर्स बुलवा के राइडर के हाथ आपको डिलीवरी करवा सकते। आप मुझे ऑर्डर दें, बाइकिया को मैं भेज दूंगा, क्योंकि मैं मेरे पास ऐड है ना बाइकिया। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं बाइकिया को भेज दूंगा आपके पास। आखिर में बारी आ गई जी इसकी, यह है लवली जो पीनी है आपको, देख लें सर, लवली लवली सैलिड है ना, नाम ही लवली सैलिड है। अपनी मोहब्बत डालिए या दूसरों के लिए मोहब्बत डालने के लिए मंगाइए? सर ये पेट की मोहब्बत है समझे। जो काम पेट से किया जाता है ना वो पलता बोलता है, दिल वाला काम पलता बोलता है, हकीकत है। तो जी ये हमने रिव्यू किया है यहाँ पर, बेहतरीन जो है वो इनका सॉस है, यहाँ पर खुद बनाया है इन्होंने, सॉस भी बताते हैं। प्लस पेटी आपने देख ली काफ़ी बड़ी है, वीडियो इसलिए लंबी की है कि आपने कभी भी जिंगर को मिक्सिंग करते हुए कभी भी किसी ने नहीं दिखाया होगा। हम फेयर चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको फेयर चीज़ दिखाएँ, ताकि आप जहाँ पर भी हमारी वीडियो पर पहुँचे तो आपको बेहतरीन प्रोडक्ट मिले, बेहतरीन चीज़ मिले और बेहतरीन आप उसको जो है वो एंटरटेन कर सकें। वीडियो कैसी लगी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।